नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड टेक। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी को लेकर कि कौन से ऐसे छात्र हैं जो कि जेटेट में भाग ले सकते हैं। यहां पर आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आया हूँ। वीडियो के लास्ट तक देखते रहे, वीडियो को आपका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले देखते हैं क्या है ये जो नोटिस है दोस्तों। ये 2016 में निकला था एग्जाम होने से पहले। विज्ञप्ति संख्या ये था, झारखंड परिषद चेक के द्वारा निकाली गई थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन था। अब यहाँ पर देखते हैं 2016 के अनुसार क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी। यहाँ पर अगर प्राथमिक कक्षा के शिक्षक बनना चाहते थे आप, तो क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी चाहिए थी, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, यानी 50% मार्क आपका उच्चतर माध्यमिक और क्या बोलते हैं इसमें PTT एग्जाम जो था, प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग में आपको 50% मार्क लाना जरूरी था। उसके बाद ये न्यून, उसके बाद जो सेकेंड था वो 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र या डिप्लोमा, चाहे उसे जो भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड में क्या है दोस्तों, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, या स्नातक प्रारंभिक कक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे उसे जो भी नाम दिया गया हो। यानी इसमें बीएड वाले भी भाग ले सकते हैं जिनका 50% मार्क हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए, जो कि ऊपर 1 से 8 के बाद जो आते हैं 10 क्लास तक के जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या है योग्यता होनी चाहिए, स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे उसे जो भी नाम दिया गया हो, या 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। और यानी यहाँ पर दोस्तों जो शिक्षक वो भी बन सकते हैं, यानी 1 वर्षीय स्नातक या बीएड होना जरूरी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियावधि विनियम के अनुसार प्राप्त के बाद देखते हैं किया गया हो। और यहाँ पर देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक में इसके समकक्ष एवं 4 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी BLED या BEd इसको कह सकते हैं। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष 4 वर्ष से BA, BSc, BEd और BScEd होना जरूरी है। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा एक वर्ष BEd यानी विशेष शिक्षा, जो यहाँ पर 1 वर्ष BEd जो निकला था दोस्तों, वो लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। 1 वर्ष BEd दैट मीन्स कि वो जो सरकार जो निकालती है समय समय पे दोस्तों, जो लोग शिक्षित जो टीचर लोग शिक्षित नहीं है, वो लोग के लिए वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी, यानी ST SC और जो विकलांग कोटे में आते हैं उनको 5% का छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो लास्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट किया था, संजीव कुमारी ने कमेंट किया था कि क्या सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ और क्या मैं JTET के एग्जाम में बैठ सकती हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये 2016 के अनुसार यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई हो और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का फाइनल आयोजन हो गया हो, वो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग ले सकेंगे, परंतु उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन होने के बाद परिषद द्वारा निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण प्रक्रिया में परीक्षा में उत्तीर्णता की जानकारी परिषद की वेबसाइट पर देना होगा, अन्यथा अभ्यर्थित्व स्वतः रद्द माना जाएगा। यानी देखिए संजू जी, अगर आप सेकंड ईयर में हो, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं लिखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि 2016 के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा गया है कि वही छात्र इसमें बैठ सकते हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम लिख लिया है और उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट लिखने के बाद भी जब रिजल्ट निकल जाएगा PTT का,
तो उसके बाद उसका उत्तीर्णता का आपको वेबसाइट पर जानकारी देना होगा, यानी आप PTT के एग्जाम में बैठ सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप पास हो जाओगे उधर आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो वो आपको रिजल्ट को वेबसाइट में जाके जानकारी देना होगा कि हाँ मैंने यहाँ पर जो JEE के द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई है उसमें मैं पास हो गई PTT में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे, अन्यथा आपका जो आवेदन हो वो रद्द माना जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करो। और यहाँ पर मैं जो बताया हूँ ये 2016 के जो नियमावली बनी थी उसके अनुसार मैंने बताया है, तो हो सकता है कि सेम टू सेम रहे नियमावली, हल्की फुल्की चेंजेज आ सकती है मे भी, तो लेकिन दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। और JEE की परीक्षा कब होगी यहाँ पर कहना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगस्त में इसकी जो आ जाएगी नियमावली, लेकिन वो कुछ नहीं आया अभी तक। और यहाँ पर कुछ छात्रों ने कमेंट किया था दोस्तों कि नवंबर में इलेक्शन है, क्या एग्ज़ाम होगा नवंबर के बाद में या उससे पहले, कहना मुश्किल है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि नवंबर में इलेक्शन है, तो ये बाद में भी हो सकता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप तैयारी करो दोस्तों और अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, एग्ज़ाम तो होगा ही, ये तो निश्चित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।